हेलो फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर आई हूं जो कि बनती है लेफ़्ट ओवर रोटी से। रात में हम रोटियां बनाते हैं तो सुबह वो बच जाती है, तो उसी रोटी से हम बनाएंगे। और एक मिडिल साइज़ का अनियन, एक मिडिल साइज़ का टमाटो, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक, फिर धनिया के पत्ते। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। देखिए, हमने एक पैन ले लिया। गरम हो जाने के बाद उसमें हम ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल। तेल गरम हो जाने के बाद उसमें डालेंगे हम मस्टर्ड सीड्स और ड्राई चिलीज। फिर उसमें डालेंगे अनियंस। अनियंस को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का ही कुक करेंगे। हल्का कुक होने के बाद उसमें हम डालेंगे हमने जो कट करके रखा है टमेटोस, उसको हम इसमें डाल देते हैं। टमेटोस को डालने के बाद उसको अच्छे से सॉटे कर लेते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला है, ज़्यादा तीखा हो जाएगा इसलिए। फिर इसमें हल्दी, फिर जो जिंजर गार्लिक को मैंने ज़रा सा क्रश करके उसमें डाला है, और थोड़ा सा ही चिली पाउडर डाला है, ज़्यादा नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, आपको जितना तीखा चाहिए। फिर ना मैंने रोटियों को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखा है। देखिए, ये मसाला जो है ये कुक हो जाने के बाद इसमें हम डालेंगे जो हमने रोटियों को कट करके रखा है उसको डाल देते हैं। ज़्यादा देर तक मसाला को कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। जैसे कि हम सब्जी बनाते वक्त मसाला को कुक करते, उतना नहीं, ज़्यादा बहुत कम समय में बन जाता है। देखिए, रोटियों को डालने के बाद उसको अच्छे से मिला देंगे, फिर सॉस डाल देते हैं ताकि उसका फ्लेवर थोड़ा अच्छा लगे, चटपटा लगे। थोड़ा सा पानी मिला के अच्छे से मिला देते हैं उसको। फिर ना उसमें जो मैगी मसाला रहता है उसको भी ऐड कर लेते हैं ताकि और टेस्टी लगे। फिर एंड में डाल देते हैं धनिया के पत्ते। तो देखिए फ्रेंड्स, बन गया हमारा लेफ्ट ओवर रोटी से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो कैसा लगा आज का रेसिपी आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। जो भी चैनल में न्यू है सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। फिर से मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।